मतलब ये समझ लो ये हमारे पास में एक आइसक्रीम है जो कि क्यूब शेप की है और इसके अंदर से एक स्कूब आइसक्रीम का निकाल दिया गया एक हेमी शेप की आइसक्रीम इसके अंदर से निकाल दी गई तो अब आपको जो सरफेस एरिया दिखता है वो आपको फाइंड आउट करना है क्या समझे कि हमारे पास में एक वुडन ब्लॉक है जो कि क्यूब शेप का है उसके अंदर से एक हेमिसल शेप को निकालकर बाहर कर दिया गया अब आपको रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ़ रिमेनिंग सॉलिड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें किसका? रिमेनिंग सॉलिड शेप का किस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों और क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि जो का डायमीटर है वो है एल और वही इस क्यूब की साइड है क्या समझे कि जो हेमिसफेयर का डायमीटर है मतलब इस हेमिसफेयर का जो डायमीटर है वो कितना है हमारे पास में एल है और वही इस क्यूब की साइड है मतलब इस क्यूब की सारी साइड हमें कितनी दे रखी है बच्चा एल दे रखी है क्यूब की सारी साइड्स कितनी है हमारे पास में एल है क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है ये कितनी आ गई हमारे पास में एल तो हमें हमारे रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो ध्यान से देखना पहले मैं लिखती हूँ उसके बाद में समझाऊंगी सबसे पहले मैं ले लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लो तो बच्चा मैंने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया टोटल सरफेस एरिया मतलब फ्रंट भी आ गया बैक भी आ गया लेफ्ट साइड भी आ गई राइट साइड भी आ गई बॉटम भी आ गया टॉप भी आ गया

एरिया ऑफ हेमीस्फेर क्या प्लस कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अब हमें कुछ माइनस करना है ध्यान से समझना क्या माइनस करना है मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया मतलब फ्रंट बैक लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप मैंने टॉप पूरा ले लिया बच्चा ये पूरा टॉप मैंने ले लिया है उसके अंदर मैंने प्लस करा ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेर अब बात आती है कि क्या नहीं दिख रहा तो बच्चा जब हम ऊपर से देख रहे हैं जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा क्या नजर नहीं आ रहा जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें क्यूब का ये पार्ट नजर आ रहा है ऊपर वाली जो साइड है क्यूब की उसका ये पार्ट नजर आ रहा है उसका ये बचा हुआ नजर आ रहा है उसका ये बचा हुआ हमें नजर आ रहा है हमें क्या नजर नहीं आ रहा बच्चा हमें ये सर्कल नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये हेमिसफेयर के साथ में कट गया तो बच्चा ये सर्कल क्या है इस हेमिसफेयर का बेस है ये क्या है इस हेमिसफेयर का बेस है जो हमें नजर नहीं आ रहा और जो हमें नजर नहीं आता उसे हम सरफेस एरिया में काउंट नहीं करते तो हम माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमीस्फेयर क्या माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमीस्फेर अब मैं फॉर्मूला में पुट करती हूँ ध्यान से देखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिक्स साइड स्क्वायर उसमें प्लस करना हेमिस्फीयर कितना होता है बच्चा टू पाई आर स्क्वायर उसमें से मैं माइनस करूंगी बेस ऑफ हेमिस्फीयर ये जो हेमिस्फीयर है इसका बेस ध्यान से देखो इसका भी इस कौन सी शेप के अंदर है बच्चा सर्कल शेप के अंदर है और सर्कल का एरिया क्या होता है का था। का कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एल तो साइड हो गई एल पुट करते हैं आगे सिक्स ब्रैकेट के अंदर एल का स्क्वेयर प्लस टू पाइआर स्क्वायर में से पाईआर स्क्वायर गया तो बच्चा कितना बच गया टू पाइआर स्क्वायर में से पाईआर स्क्वायर गया तो हमें मिला पाई r स्क्वायर समझ में आ गया आगे करते हैं ये हो गया 6l स्क्वायर प्लस पाई की जगह पर पाई रहने दो बताती हूँ बच्चा क्वेश्चन के अंदर हमें भी डायमीटर l गिवन है डायमीटर की वैल्यू गिवन नहीं है तो जब क्वेश्चन हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं बताता डिजिट्स के अंदर तब हम भी क्वेश्चन के अंदर पाई को पाई ही रखते हैं हम भी पाई की वैल्यू को पुट नहीं करते अब बात आती है आर क्या होगा तो बच्चा डायामीटर l एल है डायामीटर अगर पूरा का पूरा एल है तो रेडियस कितना होगा बच्चा रेडियस जो होगा वो डायामीटर का आधा होगा तो रेडियस हो गया एल टू। तो पाई की जगह पाई लिख दिया रेडियस की लिखा जगह लिखा, एल बाई टू और उसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर आगे सॉल्व करते हैं बच्चा सिक्स एल, का करा या या एल टू का कितना हो जाएगा बच्चा टू टू जो अब एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास में फोर यहाँ आ गया वन की टेबल में फोर फोर जिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर तो ये कितना आ गया हमारे पास में बच्चा यहाँ पर ये आया ट्वेंटी फोर एल स्क्वायर प्लस फाइव एल स्क्वायेर क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चा एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं वो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो एल स्क्वायर कॉमन लिया ब्रैकेट में बच गया 24 फोर प्लस पाए नीचे कितना था हमारे पास में फोर तो ये आ गया आपका आंसर कितना आ गया एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 24 फोर प्लस पाए अपॉन फोर क्लियर हुआ तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव

बने हुए हैं कहता है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर पूरे के पूरे कैप्सूल की मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे के पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो हमारे पास में गिवन है कितनी है फोर्टीन मिलीमीटर mm है एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल मिलीमीटर और इस कैप्सूल का ये जो डायमीटर है ये जो डायमीटर हमारे पास में कैप्सूल का गिवन है ये फाइव मिलीमीटर mm है तो डायमीटर अगर फाइव मिलीमीटर mm है तो बच्चा रेडियस कितना हो गया हमारे पास में टू पॉइंट फाइव मिलीमीटर यहाँ तक बात समझ में आती है अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या कहती हूँ बच्चा रेडियस यहाँ से 2.5 मिलीमीटर mm है तो बच्चा देखा जाए तो ये भी तो रेडियस ही है हैमिस्फेयर की हाइट और रेडियस एक ही होती है एक ही बात है तो बच्चा यहाँ से रेडियस भी कितना हो गया 2.5 मिलीमीटर mm, और वही चीज अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो इस वाले की भी कितनी हो गई रेडियस यहाँ पर टू मिलीमीटर आती है बातें समझ में तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूं कि यहां से लेके यहाँ तक कितना है 2.5 मिलीमीटर mm. यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कितना है 2.5 मिलीमीटर mm. तो बच्चा हम लोग बैलेंसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं ना सिलेंडर की हाइट हम लोग सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये जो सिलेंडर की हाइट है ये कितनी आ गई बच्चा फोर्टीन में से टू और टू माइनस कर दो तो ये आ गई हमारे पास में कितनी आई मिलीमीटर mm. क्या संजय एक बार दोबारा बताती हूँ mm दोनों को अगर फोर्टीन में से माइनस करा तो सिलेंडर की हाइट आ गई हमारे पास में नाइन मिलीमीटर mm. हमें कहता है सरफेस एरिया फाइंड आउट करो अब जरा ध्यान से देखना सरफेस एरिया के अंदर क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमें फाइंड आउट करना है तो सरफेस एरिया मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं हम किसे देख सकते हैं बच्चा हम लोग देख सकते हैं एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हम देख सकते हैं एक हम देख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ है सेम ऐसे ही हम देख सकते हैं इधर का कर्व सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेर अब आप बोलोगे मैम टोटल क्यों नहीं लिया बच्चा सिलेंडर से हेमीस्फेर इधर से भी जुड़ा हुआ है इधर से भी जुड़ा हुआ है तो इस बेस को तो हम देख ही नहीं सकते हम देख भी नहीं सकते टच भी नहीं कर सकते जिसे हम देख ही नहीं सकते उसे हम सरफेस एरिया में काउंट नहीं कर सकते तो हम लेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिसफेयर का कर्व सरफेस एरिया तो यहां पर लिखो कर्वड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या प्लस कर दो इसमें टू इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हैमी स्र बच्चा मैंने टू इंटू कर्ट सर्फेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर क्यों लिया क्योंकि बच्चा दो हैमिस्फेयर है दोनों का सर्फेस एरिया इक्वल आएगा तो एक हेमिसफेयर का एरिया निकाल के उसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसलिए लिख दिया टू इंटू कर्ट सर्फेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर अब बात आती है कर्ट सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चा तो ये होता है टू पाई आर एच आगे करो टू की जगह पे टू लिखा इंटू तो ऊपर तो लिखा हम लोग हम लोग सिर्फ पाई को कॉमन लेंगे ध्यान रखना अगर क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ईजी करना है तो हमेशा पाई को कॉमन ले लो पाई को कॉमन ले लिया तो इधर ब्रैकेट में क्या बचा टू इंटू आर इन एच कितना बचा टू इंटू आर इंटू एच इधर ब्रैकेट में क्या बचा टू टू या फोर और ये आर स्क्वायर कितना

फाइव नाइनज फोर्टी फाइव तो ये आया फोर्टी फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव कितना हो जाता है बच्चा हमारे पास में सिक्स पॉइंट टू फाइव और सिक्स पॉइंट टू फाइव को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव कितना मिला ट्वेंटी फाइव अब वैल्यू पुट करेंगे पाई की जगह पर पाई की वैल्यू पुट करते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा बच्चा और कितना पास में सॉरी ये कितना आ गया हमारे पास में फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी हमारे पास में तो सेवन वन जा सेवन सेवन टेन तो ट्वेंटी टू इंटू टेन कितना आ गया हमारे पास में टू ट्वेंटी यूनिट क्या थी बच्चा क्वेश्चन के अंदर मिलीमीटर तो ये हो गया टू ट्वेंटी मिलीमीटर स्क्वायर ये क्या आ गया हमारा सर face area of capsule

right एंड डाया मीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर टू पॉइंट सिलेंडर की बात हो रही है बच्चा कि तो तो सिलेंडर और जो हाइट है टू पॉइंट वन मीटर की और सिलेंडर का डाया मीटर कितना है बच्चा फोर मीटर अब अगर डाया मीटर फोर मीटर है बच्चा तो रेडियस कितना हो जाएगा डाया मीटर का आधा हो जाएगा तो सिलेंडर ंडर का रेडियस कितना है हमारे पास में टू मीटर्स यहां तक की बात समझ में आ गई आगे कहता है एंड द हाइट ऑफ द टॉप इज मीटर्स और ये जो टॉप है यानी कि जो कोन शेप है उसकी हमें हाइट गिवन नहीं है उसकी हमें स्लॉट हाइट गिवन है स्लॉंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं जो कि है टू पॉइंट एट मीटर्स फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट तो सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है कैनवास का जिसकी हेल्प से हम लोग ये टेंट बनाएंगे आगे कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ठीक है वो बात का काम है बाद में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट टू मेक द टेंट तो सबसे पहले हम लोगों को कैनवास का एरिया फाइंड आउट करना है अब बच्चा टेंट के एरिया के अंदर हम किस किस चीज को लेंगे एक तो बच्चा हम लोग लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एक हम लोग लेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने ये पार्ट क्यों नहीं लिया तो बच्चा सिलेंडर से कोन अटैच है तो अटैच है तो ये पार्ट तो जुड़ गया जो पार्ट जुड़ गया वो हमें दिखेगा ही नहीं सिलेंडर के जस्ट ऊपर कोन आ गया तो ये पार्ट तो मिसिंग है ना बच्चा ये पार्ट तो हमें दिखेगा ही नहीं और जो हमें दिख ही नहीं रहा उसे हम सर्फेस एरिया में काउंट नहीं कर सकते कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आप सिलेंडर का बेस क्यों नहीं

लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गई बात समझ में अब बात आती है कि मैम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है तो बच्चा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल पाई आर r एल मतलब slant हाइट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चा 2 पाई r h कितना होता है 2 पाई r h आपको ध्यान रखना है चाहे कुछ भी क्वेश्चन में कॉमन आए आप सिर्फ पाई को कॉमन ले लो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी तो हम सिर्फ इस पाई को कॉमन ले रहे हैं तो बच्चा फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा आर और एल सेकेंड बैकेट में क्या हो बच्चा टू इंटू आर इन टू एच टू इंटू आर इन एच आ गई बात समझ पाई की वैल्यू को मैं लास्ट में पुट करूंगी अभी बाकी वैल्यूज पुट करती हूँ आर की जगह पे रेडियस कितना आएगा बच्चा 2. हमारे पास में डायमीटर गिवन था फोर तो रेडियस कितनी है टू इन टू एल स्ल्टाइट कितनी है बच्चा हमारे पास में टू पॉइंट एट ठीक है भाई प्लस टू की जगह पे टू आर की जगह पर रेडियस कितना है हमारे पास में टू इंटू सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास में टू पॉइंट वन यहाँ तक क्लियर हुआ आगे करते हैं पाई की जगह पे पाए रखो टू इंटू टू पॉइंट एट कितना आता है, हमारे पास में 2 into 2 आता है हमारे पास में प्लस 2, 4, और फोर को टू पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करा तो फोर वन जा फोर फोर टू जा एट ये आ गया एट पॉइंट फोर पाई की जगह पर पाई की वैल्यू पुट करते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन अगर क्वेश्चन के अंदर दूसरी वैल्यू गिवन है तो आप वो पुट करोगे अब बच्चा 5.6 और 8.4 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 14। आगे मीटर गिवन है तो इट इज फोर्टी फोर मीटर स्क्वायर ये क्या आ गया हमारे पास में बच्चा एरिया ऑफ कैनवास ठीक है क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं एक बार यहां पर लिख देती हूँ ये क्या आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया फोर्टी फोर मीटर कहता है हमें कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है फाइंड द द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड पर मीटर किस तरह से निकालते हैं हम कितना हमारा एरिया कितना आया 44. हमें पर मीटर की कॉस्ट कितनी दे रखिए फाइव हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो फाइव फोर ट्वेंटी टू ये आ गया बच्चा हमारे पास में रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट

में गिवन है कितना है 1.4 सेंटीमीटर तो बच्चा अगर डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.7 सेंटीमीटर इतनी बातें समझ में आ गई

निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमें फाइंड आउट करना है मतलब जिसे हम देख सकते हैं अब ध्यान से समझना हम किस चीज को देख सकते हैं बच्चा एक सिलेंडर था उस सिलेंडर के अंदर ऊपर से एक कोन शेप बाहर निकाल दी गई ठीक है तो हम किस पार्ट को देख सकते हैं हम देख सकते हैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या देख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चा इस सिलेंडर का बेस इस सिलेंडर का बेस भी हम देख सकते हैं तो एक देख सकते हैं हम लोग बेस ऑफ सिलेंडर ठीक है अगर मैं सामने से देखूं तो मैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया देख सकती हूं अगर मैं नीचे से देखूं तो बच्चा मैं इस सिलेंडर का बेस भी देख सकती हूँ बट अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो बच्चा मुझे ये सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा मुझे सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा बल्कि मुझे क्या दिखाई देगा बच्चा ये कोन दिखाई देगा इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा तो बच्चा सरफेस एरिया के अंदर हम उसी चीज को लेंगे जिसे हम देख सकते हैं तो सामने से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो सबसे पहले लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक बात है अगर मैं नीचे से देखती हूं तो मुझे सिलेंडर का बेस भी नजर आएगा क्योंकि वो गायब नहीं हुआ है तो नीचे से देखूंगी तो मुझे नजर आएगा बेस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का बेस भी बट अगर मैं ऊपर से देखूं अगर मैं ऊपर से झांकूं तो बच्चा ये कौन शेप निकली हुई है और मुझे सिर्फ क्या नजर आएगा बच्चा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का भी ये टॉप मुझे नजर नहीं आएगा क्योंकि तो निकाल दी गई ना पूरी की पूरी शेप तो अंदर से कौन सी शेप नजर आ रही है मुझे ये शेप नजर आ रही है जो कि क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो अंदर से नजर आएगा मुझे ऊपर से देखने पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अब हम हमारा फॉर्मूला लगाते हैं तो बच्चा कर््ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास

इधर इधर क्या 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 बचा 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 हमारे पास में बस तो की की जगह जगह पर अभी पाई ही रहने दो आगे पुट करो टू की पे टू. रेडियस कितना दे रखा है हमें जीरो पॉइंट सेवन उसकी जगह जीरो पॉइंट सेवन पुट कर दो हाइट कितनी की वे न बच्चा सिलेंडर की सिलेंडर की हाइट है टू पॉइंट फोर एज इट इज पुट कर दो प्लस आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर तो कितना होगा जीरो पॉइंट सेवन इंटू 0.7 प्लस नेक्स्ट आगे कोन के लिए रेडियस कितना है 0.7 पॉइंट सेवन इन टू एल बच्चा इस कोन की हमारे पास में क्वेश्चन में स्लांट हाइट गिवन नहीं है तो हमें इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है तो मैं इधर फाइंड आउट कर देती हूँ स्लॉट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और ये गया हमारा अंडर रूट के अंदर रेडियस कितनी है बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर जीरो तो जीरो का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है बच्चा क्वेश्चन के अंदर 2.4 तो 2.4 का स्क्वायर और ये है हमारा अंडर रूट के अंदर 0.7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा ये हो गया हमारे पास में 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर हो जाता है 5.76 अगेन ये अंडर रूट के अंदर है तो 0.49 और 5.76 को जब हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है रूट के अंदर 6.25 हमें पता है 6.25 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का तो बेटा 6.25 किसका हो गया 2.5 का तो स्लान हाइट कितनी आ गई हमारे पास में 2.5 तो l की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 2.5 क्लियर हो गया आगे सॉल्व करते हैं तो बच्चा पाई की जगह पर पाई लिख देते हैं आगे सॉल्व करते हैं तो टू को 0.7 से मल्टीप्लाई करा हमें मिला 1.4 उस 1.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है 4 4 16 4 1 4 ये आ गया 5 हमारे पास में 2 4 8 2 1 2 तो ये कितना आएगा बच्चा हमारे पास में 8 और 5 हो गया हमारे पास में 3 तो ये आ गया बच्चा हमारे पास में 3.36 तो 2 0.7 2.4 इसे मल्टीप्लाई करा हमें मिला क्लियर हो गया प्लस कितना आता है बच्चा 7, 49, तो ये हो गया जीरो तो हम करके देखते हैं टू पॉइंट फाइव को जीरो पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं

फाइव पॉइंट सिक्स जीरो तो कट करते हैं बच्चा इसे हमें कितना मिलेगा सेवन 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 एट फिफ्टी सिक्स तो ये आ गया जीरो पॉइंट एट जीरो 22 0.80 कितना होता है बच्चा 17.60 तो ये आया हमारे पास में 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर बट क्वेश्चन ने क्या कहा था हमें हमारा आंसर निकालना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चा 17.60 17 के पास में है या 18 के पास में है ये 18 के क्लोज है तो बच्चा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ टेंट कितना आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर किस तरह से निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ

फ्रॉम ईच एंड ऑफ सिलेंडर एड शोन इन फिगर कहता है, के अंदर है कि एक सिलेंडर हमारे पास में दे रखा है तो ये हम लोगों ने एक सिलेंडर ले लिया उस सिलेंडर में से दोनों तरफ से एक एक हैमिस्फेरिकल शेप को स्कूप आउट किया गया, मतलब दोनों तरफ से एक एक हेमी शेप को बाहर निकाल दिया गया ध्यान से समझना हमारे पास में ये सिलेंडर गिवन है इस सिलेंडर में से ऊपर से भी हेमी स्फेरिकल शेप को बाहर निकाल दिया गया और नीचे से भी इस हेमी शेप को बाहर निकाल दिया गया

the total surface area of the

जब मैं ऊपर से देखती हूँ जब मैं ऊपर से देखती हूँ तो बच्चा मुझे क्या दिखता है ये मुझे ये हेमी नजर आता है क्योंकि हेमीस्फेरिकल शेप बाहर निकाल दी गई है तो बच्चा ऊपर से ये एक शेप बनी होगी या नहीं बनी होगी इमेजिन करके रखो ये कोई ब्लॉक है ये कोई मतलब एक ऑब्जेक्ट है कोई आइसक्रीम है ये समझ लो इस आइसक्रीम में से जब ऊपर से आपने ये शेप बाहर निकाल दी तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक यही शेप नजर आएगी आपको एक हेमिसफेयर नजर आएगा तो ऊपर से हमें क्या दिख रहा है कच्चा कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ हेमीस्फेर हमें क्या नजर आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेर जब हम नीचे से देखते हैं तभी भी बच्चा हमें क्या नजर आता है ये शेप नजर आती है तो हम लोग बोलेंगे एक और ले लो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर एक बार ऊपर वाला हेमिसफेयर ले लिया एक बार नीचे वाला हेमिसफेयर ले लिया आई बात समझ में तो बच्चा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें नजर आ रहा है जिससे मैं बोल सकती हूँ टू पाई आर एच कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है टू पाए आर एच फिर है

प्लस टू इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर कितना होता है टू पाई आर स्क्वायर क्लियर हुआ अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने ये क्यों नहीं लिया आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्यों नहीं लिया या फिर आपने हेमिसफेयर के बेस क्यों नहीं लिए तो बच्चा सिलेंडर के अंदर से हेमिसफेरिकल डिप्रेशन है एक शेप बाहर निकली है तो ये वाला पार्ट तो हमें विजिबल ही नहीं है ये वाला पार्ट तो हमें विजिबल ही नहीं है हमें सिर्फ कर्ड सर्फेस एरिया दिख रहा है अब बच्चा हमें सिर्फ पाई को कॉमन लेना है तो दोनों तरफ पाई को कॉमन ले लो पाई को कॉमन लिया तो इधर बच्चा टू इंटू आर इंटू एच कितना रहता है टू इंटू आर इंटू एच प्लस इधर क्या रहता है बच्चा टू टू जर फोर और आर स्क्वायर समझ में आ गई बात पाई की जगह पर पाई रखो लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो टू इंटू आर कितना था थ्री पॉइंट फाइव इंटू हाइट कितनी है बच्चा सिलेंडर की टेन सेंटीमीटर प्लस फोर इंटू रेडियस कितना था थ्री पॉइंट फाइव तो आर स्क्वा थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव क्लियर हो गया आगे सॉल्व करते हैं पाई की जगह पर अभी पाई रखो लास्ट में में वैल्यू पुट करेंगे होता 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 है 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 हो गया हमारे पास में, 70. तो का स्क्वायर बच्चा क्या होता है? और को 4 से मल्टीप्लाई करा तो बच्चा कितना सेवनटी प्लस फोर्टी नाइन कितना हो गया हमारे पास में बच्चा ये हमारे पास में हो गया वन वन नाइन सेवनटी प्लस फोर्टी नाइन कितना आया वन वन नाइन कट करते हैं सेवन वन जा सेवन सेवन वन जा सेवन कितना रहा हमारे पास में फोर बचा सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन तो ट्वेंटी टू इंटू सेवनटीन ट्वेंटी टू इंटू सेवनटीन करके देखते हैं सेवन टू ज़ा फोरटीन सेवन टू जॉ फोर्टीन फिफ्टीन आ गया वन टू ज टू टू आ गया तो ये हमारे पास में आ गया थ्री सेवेंटी फ़ोर कितना आया हमारे पास में सॉल्व करने पर थ्री सेवनटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया बच्चा थ्री सेवेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है सरफेस एरिया जो हमें विजिबल है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ऊपर वाला हेमिसफेयर का कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाले हमिस्फेर का कर््ड सरफेस एरिया तो क्या फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टू इंटू कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमीस्फेर इसी के साथ में बच्चा आज हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन कंप्लीट कर ली अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू तो वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है और आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय फॉर नाउ